2022 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट किया था, काउंसलिंग की थी, उसका सेट हमारे पास है। ये सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन जो थर्ड है, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन नहीं, इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट में पार्ट में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बहुत लेते हैं, लेकिन वीडियो का तभी फायदा है अगर आपका टाइम बचता है और एक्यूरेसी जो स्कोर है आपके बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि पेपर अब इंग्लिश और पंजाबी में आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा। सेकंड सेम वीडियो आपको पंजाबी में मिल जाएगा, सेम वीडियो। पंजाबी वाले जो हैं वो फिक्र ना करें, उनके लिए अलग से वीडियो सेम क्वेश्चन के साथ निकल आएगा। तो एक दो नुक्ते जो मैंने आपसे करने हैं, जो पिछला ही इस पेपर के बेस पर, क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, ये भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, दैट इज़ वाई जो मुझे प्रॉब्लम आई कि मेंटल एबिलिटी के ये क्वेश्चन जो हैं उसके स्टेम जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है ना, मेन पार्ट है उस, वो इतना एलेबोरेटेड कई बार होता है कि समझने में प्रॉब्लम आती है। अगर समझ नहीं आती तो आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो दैट इज़ वाई पहले उसको समझना होगा। इस वीडियो में शायद आप कुछ भी ना सीखो, सिर्फ इतना ही सीखो कि उसको समझना कैसे है जो पिछले पेपर आए हैं। हाँ, दूसरा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इतना टाइम को अगर एक क्वेश्चन ले लेगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। कोई रिश्ता इतनी ज़्यादा एनर्जी ले जाए और आपको अप की जगह डाउनवर्ड लेके जाए तो उस रिश्ते को छोड़ने का या न्यूट्रल होने का डिसीजन ले लेना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन और जिंदगी मिलती है। तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे, शॉर्टकट से जल्दी मतलब टाइम बचाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो लोग कैंडिडेट इस मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, रीजनिंग की बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश है ना, जिनकी जो एक्सरसाइज मेंटल एबिलिटी की नहीं है, उनके लिए हेल्प करेंगे ये वीडियो, दैट इज़ वाई छोटे छोटे बनाए हैं। दूसरा के क्योंकि मेंटल एबिलिटी है ना, माइंड, रीजनिंग, लॉजिक यूज होना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है। तो उसके जो स्ट्रेटजीज हैं, सबसे पहले कि आप मेन वर्ड या फ्रेज जो है उसको अंडरलाइन करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 61 और 62nd जो क्वेश्चन है उसके लिए ये डायरेक्शन दी गई है। फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 ऑप्शन। अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया आपको है ना, तो आप मोटा मोटा इस क्वेश्चन के नीचे क्या दिया गया है उसको देख ले। जैसे ये टेबल दिया गया है, इस पर नजर लगाई थोड़ी सी, और कंडीशन यहाँ लिखा गया है, ये कंडीशन मैंने ऐसे सर्कल कर ली, इट मीन्स टेबल है, कोई कंडीशन है, उसके बाद प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन ढूंढना है। तो ये हो गया विद कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सिंबल्स, नंबर्ड ए बी सी डी, ये रहा आपके लेटर और ये रहे सिंबल कोड। इट मीन्स ऐसा कुछ दिया गया होगा और इसमें कन्वर्ट करना है। द लेटर्स आर टू बी कोडेड एज पर स्कीम और कंडीशंस, ये कंडीशन मिल गई आपको, कंडीशन कोई दी गई होगी, स्कीम यहाँ वर्ड नहीं है, यहाँ पर कंडीशन ही है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सॉल्व होना है कुछ। द सीरियल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ लेटर इज द आंसर। ओके, तो जो इन्होंने दिए हैं हमें लेटर, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको आगे चलते हैं। इन्होंने क्या समझाया कि ये टेबल है, टेबल में लेटर है, लेटर और सिंबल हैं, कंडीशंस हैं, और ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे कुछ कह लो, ये इसको परे कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है सारा? हाँ, ये सारा दिखाई देना चाहिए आपको। तो ये है प्रॉब्लम हमारे पास। अब है कि यहाँ पर H यहाँ लिखा होगा उसका मतलब 3 होगा, I है उसका मतलब 7 होगा, T उसका मतलब परसेंटेज होगा, K उसका मतलब हैश होगा, R का ये है, ये मीनिंग है यहाँ तक का है ना। तो अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई उसको पढ़ना, पहली प्रॉब्लम ली ली, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है 61 क्वेश्चन नंबर। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, इस पर ये देखना है इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रुप इज वॉवल, ये आई है, आई वॉवल है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो वॉवल वाली है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, नंबर 1। एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट,
ये रहा कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट ये रही। ये क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट कंडीशन है उस पर से के साथ मैच कर रही ये प्रॉब्लम है, ये बात हो गई। ओ हो गई, इट मींस इसको अब, इसको अब इसकी कंडीशन को यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओ एप्लीकेशन क्या है, द कोड आर टू बी इंटरचेंजेस। अगर पहला प्रॉब्लम का पहला वर्ड वॉवल है, लास्ट वर्ड व्यंजन है, तो इनको इंटरचेंजेबली करना होगा। इसका मतलब है आई को आप यहां रिप्लेस कर दें जे की जगह और जे को कर दें आई, ये इंटरचेंज हो गया। इट मींस क्या हुआ, आई को जे समझना है, जे को आई समझना है, इतनी बात है। आई को जे, ये रहा आई और ये रहा जे, इसको ये समझना है और इसको ये समझना है। इट मीन आई का 7 है और जे का 2 है। इट मींस अगर आई यहां पर है तो ये रिप्लेस होके यहाँ आ गया ना, तो आई की जगह पर 2 आएगा और 2 की जगह लास्ट में 7 आएगा। क्या हमें पता चला कि शुरू में 2 आएगा और लास्ट में 7 आएगा। शुरू में 2 आएगा इस आंसर में, शुरू में 2 नहीं है, शुरू में 2 आएगा इस आंसर में नहीं है, शुरू में 2 आएगा यस यहाँ है, लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 नहीं है, शुरू में 2 आएगा यस ये मिल गया और लास्ट में 7 आएगा। ठीक, अब दूसरा मेथड क्या था, देखिए ये समझने में इतना टाइम लग गया। दूसरा मेथड क्या था कि हम एक एक को सॉल्व करते, कि जैसे आई के बाद आर है, आर का क्या होगा, आर का जी 4 होगा, आर का 4 है, ये कर रहे हैं। एच का क्या है, एच का जी ये रहा, एच कहाँ गया, ये एच का 3 है, एच का 3 है। सिंपल बात है, ये देखना है, इसको मिटा रहा हूं जल्दी जल्दी में। देखना क्या है आपने कि जो वेरिएशन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो मैच नहीं करता, ये ध्यान से देखना। इसको बड़ा कर रहा हूं थोड़ा, सिर्फ यही समझाने के लिए इसको बड़ा कर रहा हूं, एक मिनट। ये रहा तो ये बड़ा कर रहा हूं, ये सिर्फ इस बात को समझना, और बेशक पिछले फार्मूला भी नहीं अप्लाई करना। अप्लाई क्या करना है कि जो मैच कर रहा है ये है, मिडल वाले क्या है, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3। इट मींस ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, मतलब ये हार्मनी है, सभी में सेम रिस्पॉन्स है, इसका आंसर है। तो ये आपकी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने में हेल्प नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहाँ भी ऊपर एरो है, थर्ड फोर्थ पर ऊपर एरो है, फोर्थ पर ऊपर एरो है, फोर्थ ऊपर एरो है, ये भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसको अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एट 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 ये भी कोई हेल्प नहीं करेगा, ध्यान से देखना। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ऐसी प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन को भी अटेंड नहीं। तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं कि पहला मेथड तो वैसे सॉल्व सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो था निकाला आपने, हमने है ना। दूसरा है कि सभी डिजिट को सॉल्व करना, वो नहीं अप्लाई करना। तीसरा है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, ध्यान से इस बात को समझ ले, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है मैं डायरेक्ट, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ी सी नजर टेबल पर, थोड़ी सी नजर जो है उस पर, और जो आंसर है वो, सॉरी जो स्टेम है वो पढ़ी ही नहीं है। पढ़ने के बाद जो पढ़ना क्या है शुरू में, पढ़ा क्या है आपने शुरू में, कि आप आंसर देख रहे हो, स्टार्टिंग में आंसर देख रहे हो, और आंसर में वो देखनी है क्या वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किस डिजिट में है, डिजिट में जहाँ वर्ड में किस में है। तो वो क्या है कि जल्दी जल्दी से मैंने क्या, अब तीसरा तरीका बता रहा हूँ क्या करने लगे, जल्दी जल्दी से मैंने क्वेश्चन देखा, 61 है, एक दो सेकंड टेबल और ये देख के आके देखा कि इनमें सब कुछ मैच, 4 के 4 आंसर में क्या मैच कर रहा है, 4-3 arrow at, 4-3 arrow at, 4-3 arrow at, 4-3 arrow at, ये मैच कर रहा है। इट मीन्स मैंने ये मिड वालों को अटेंड ही नहीं करना, मैंने सिर्फ वेरिएशन किस में है, 7-2, 7-7, 2-2, 2-7। इट मीन्स जो फर्स्ट एंड लास्ट है उसमें ही आंसर छुपा हुआ है,
उसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब ये भी है कि आपने दोनों को सॉल्व नहीं करने की जरूरत, हो सकता है एक को ही सॉल्व करें आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि इंटरचेंजेबली यूज होगा, अब आपने देखा कि इंटरचेंजेबली यूज होगा, इंटरचेंजेबली यूज होने पर आपने सिर्फ ये देखा कि पहले दो था उसकी जगह पर सात हो गया है ना, तो सात आप लास्ट में देख रहे हो, यहां पर जल्दी से देखा सात लास्ट में, सात लास्ट में, हिट मीन्स आंसर इसमें छुपा हुआ है क्योंकि इसमें सात सात है ना, सेम चीज नहीं होगी, एकदम से आंसर आपने ये लगा दिया। ये काफी ऐसे मेथड हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट ही ढूंढना चाहिए। लेकिन मैं क्या सुजेस्ट करूंगा इस वीडियो में कि सबसे पहले आप आंसर को देखिए, ये रहा, इसको छोटा कर रहे हैं, ये रहा है ना, क्योंकि लॉजिकली सॉल्व करते तो इतना टाइम ले लेगा कि आपके दूसरे सही क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो रह जाएंगे। तो आपने इस डायरेक्ट मेथड अटैक किया, जो इसके सॉल्यूशन चार दिए हुए हैं उनमें सिमिलैरिटी उस पर फोकस नहीं करना, वेरिएशन जो है उस पर फोकस करना है। तो राइट आंसर तक हम पहुंच गए हैं, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलैरिटी दिखने लगे हैं, फर्स्ट ये नहीं है, नहीं ये वेरिएशन है, ये वाला वेरिएशन वाला है, ये डॉट लगा लिया मैंने, और ये एस आपको ये नहीं पता कि कौन सा ये वर्ड है, भूल जाइए, शेप याद है, यस S7 hash, ये नहीं है, वेरिएशन है ये भी, तो ये सभी वेरिएशन में चल रहे हैं, 6-64 सारे ही वेरिएशन में जा रहे हैं। तो ऐसी में प्रोबेबिलिटी है कि राइट आंसर ऑड मैन आउट से ये हो। हाँ, नॉर्मली एक वीडियो में बताऊंगा कि नन ऑफ अबव रेयरली राइट आंसर होता है, पर मेंटल एबिलिटी में ये पॉसिबल है। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा दूसरी तरीके से, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ऐसे, है ना, ये रहा, हाँ, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रुप इज वॉवल, आपने देखा एकदम से कि ये वॉवल नहीं है, ये रहा वॉवल और ये वॉवल नहीं है, इट मीन्स पहली अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रुप इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवल, ये भी अप्लाई नहीं हो रही, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। इफ़ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर आर वॉवल, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये भी अप्लाई नहीं होगी। इट मीन्स क्या हुआ कि कंडीशन जो है कोई भी अप्लाई नहीं होगी, जैसी प्रॉब्लम है उसको वैसे ही अप्लाई करना है। अब वैसे ही अप्लाई करने के लिए क्या है, टी एफ आई, ये रहा, मैंने जल्दी से, अगर टी एफ आई ज़्यादा लग रहा है टी एफ उठा लीजिए, जहाँ आप फर्स्ट और लास्ट उठा लीजिए जल्दी से, टी और आर, ये रहा मेरा टी और ये लास्ट रहा आर, इट मीन्स के परसेंटेज से शुरू होगी और चार पर ख़त्म होगी, परसेंटेज से शुरू होगी ये हो रही है लेकिन चार पर ख़त्म नहीं हो रही, परसेंटेज से शुरू होगी चार पर ख़त्म नहीं हो रही, परसेंटेज से शुरू हो रही है चार पर ख़त्म नहीं हो रही, है ना, चारों देख ली कि परसेंटेज से सिर्फ ये शुरू हो रही है लेकिन चार पर ख़त्म नहीं हो रही, ये परसेंटेज से शुरू ही नहीं हो रही, ये परसेंटेज से शुरू ही नहीं हो रही, तो राइट आंसर नन ऑफ दीज आ गया, बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये देखने में डिफ़िकल्ट होता है लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ईजी बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा बड़ा करके चलते हैं, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया, यस ये रहा, गिवन बिलो द स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, अब मुझे समझ नहीं आया था पहली बार, मैं कोई बहुत ऐसा वो नहीं हूँ, मतलब नलायक सा बैकवर्ड चाइल्ड रहा हूँ, तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा, गिवन बिलो स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, मुझे समझ कम आ रहा था, मैंने टू कंक्लूजन को लिख लिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू कंक्लूजन में से ढूंढना है। स्टेटमेंट क्या दी गई है, नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, कि ये सच है कि फॉर एग्जाम्पल एक देश को पेट्रोलियम चाहिए और किसी के पास पेट्रोलियम ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, ये वर्ड है बेटर इंटरडिपेंडेंट। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरडिपेंडेंस इतनी थी कि सभी दरवाजे खोल दिए, अब जो नीड्स है एक दूसरे की पूरी करो, रिश्ते भी ऐसे ही हैं ना,
इंटरडिपेंडेंट बनना बेस्ट है, इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअली बन सकते हैं आप। ओके, तो ये रहा कंक्लूजन के वन, इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट ए कंट्री नीड्स। अभी मैंने बोला क्योंकि एक कंट्री जितनी नीड्स है, मान लीजिए एक कंट्री की 100 नीड्स हैं, है नहीं, है तो हजारों लाखों नीड्स, तो 100 की 100 नीड्स एक कंट्री अपनी ही ज्योग्राफिकल एरिया से, वहां से पैदा नहीं कर सकती। दैट इज वाई दूसरे पर निर्भर होना लाजमी है। तो ये कंक्लूजन राइट है, एक को चूज जरूर करके। दूसरा कंक्लूजन क्या है, उन्होंने कहा था दो कंक्लूजन, ये रहा एक और ये रहा दो। अब देखना है कि दोनों ठीक है, एक ठीक है, आगे ऑप्शन दी गई है। कंट्रीज मैन इज इन जनरल हैव बिकम लेजी, ये बिल्कुल नॉनसेंस बन रहा है। कंट्रीज मैन, ये जरूरी नहीं है कि लेजी बन जाए, कुछ कुछ रिलेशन ही नहीं है कि इंटरडिपेंडेंस के साथ, ये लॉजिक सीधा रिजेक्ट हो रहा है ना। तो ये स्पेसिफिक बात की जा रही है, ये भी गलत है। लेजी होने से नीड्स पूरी करना, कुछ भी लॉजिक इसके साथ मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स कंक्लूजन वन जो है वो राइट होगा, ऑप्शन ऐसा है तो उसको चूज कर लेंगे। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, है ना, ये वाला राइट आंसर मिल गया है। इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, नहीं बिल्कुल गलत। इफ आइदर वन और टू, ये डिफिकल्ट होता है, नहीं एक पक्का है इसलिए ये नहीं आएगा। बोथ, क्योंकि टू नहीं आ रहा, दैट इज वाई ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर ये रहा एक। नेक्स्ट है वी इज शॉर्टर देन डब्ल्यू, ये क्वेश्चन का आंसर आप हर कोई दे सकता है, इजी है, थोड़ा सा समझ लेना है। इसमें जो नुक्ता अप्लाई होना है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट कर लेना है। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़नी है, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज उसकी कंक्रीट है, लास्ट एब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं समझाऊंगा। इस एब्स्ट्रैक्ट, ये सिंबल है ना, लैंग्वेज सारी एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसको कंक्रीट करना है। अगर विजुअल मेमोरी अच्छी है तो आप ऐसे ही अपने मन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी कर देता है, थोड़ा सा कर लीजिए बाकी आसान हो जाएगा। तो मैंने पहला प्रिंसिपल क्या इसका बनाया, क्योंकि इसमें बार बार बात हुई है शॉर्टर टालर, ऐसी बातें हुई है, इस शॉर्टर टालर है ना, टॉलेस्ट, ये बातें हुई हैं। इट मीन्स मैंने क्या यहाँ आइडिया बनाया, एकदम से लिखना नहीं है शॉर्टर और टालर, मैंने नॉन वर्बल यूज किया कि जो अपवर्ड, जो वर्ड मैं लिखूंगा सबसे ऊपर, जितना ऊपर होगा उतनी उसकी हाइट ज्यादा है, बस ये मैंने नुक्ता अपनाया। ये फर्स्ट है, मैं फ्रेज पढ़ रहा हूँ, वी इज शॉर्टर देन डब्ल्यू, मैंने मिड में यूज करने लगा हूँ यहाँ, क्योंकि हो सकता है कितनी ऊपर ये लेके जाएं पता नहीं, कुछ कितना नीचे लेके जाएं पता नहीं, इधर उधर का नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं की बात नहीं है, हाइट की बात है। तो V इज शॉर्टर देन W, ये V है शॉर्टर किससे, W से, W यहाँ लिख लिया। बट टालर देन X, लेकिन ये X से टालर है ना, V X से टालर है, ये आ गई। अब मुझे पता चल गया W सबसे ऊपर है हाइट में, ये मिड में आ रहा है और ये सबसे डाउन है। आगे क्या है, Y इज द टालेस्ट, अब इसमें Y नहीं है, टालेस्ट में कुछ भी हो मैं क्या करूंगा, मैं ये सीधा यहां ऊपर लिख दूंगा, भी जितने भी अब आएंगे टालेस्ट है क्योंकि एक्सट्रीम डिग्री है। Z इज लिटिल शॉर्टर देन W, Z इज लिटिल शॉर्टर देन W, ये रहा Z, इसके साथ थोड़ा सा लिख लिया क्योंकि यहाँ लिखा है लिटिल शॉर्टर, इसके साथ ही लिख लिया, ये इससे छोटा है देन W, एंड लिटिल टालर देन V, लिटिल टालर देन V, ये जरूरी नहीं है कि इसकी हाइट अब ज्यादा दिखा रही दे रही है कि इसको अब काट के मिड में करना है, नहीं, ये मुझे पता चल गया क्योंकि और आगे कुछ भी नहीं है। इफ दे स्टैंड्स इन ऑर्डर ऑफ हाइट, हु विल बी इन द मिडल, राइट आंसर इज Z, राइट आंसर इज Z, इमीडिएट, ये तो सॉल्व हो गया, राइट आंसर इज Z, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखते हैं, डायरेक्शन वाला है, इसको थोड़ा पहले बड़ा करेंगे और फिर हाँ, राम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ एंड टेक्स राइट एंड अगेन ट्रेवल, इतने से पता चल गया कि ये डायरेक्शन वाला है, पहले हम ऊपर नीचे गए थे, अब इधर उधर जाएंगे, इसको छोटा करके जल्दी से मैं क्या बना रहा हूँ कि इस डायरेक्शन को कंक्रीट कर रहा हूँ, ये रहा इसको कंक्रीट, ये आपका पेज है, ये रफ शीट है और ये मैंने रेड कलर ले लिया। राम तो नॉर्थ साउथ ऐसे आ रहा है, मैंने एक्सट्रीम पर यहाँ एन लिख लिया, सॉरी
चलो हाँ, ये नॉर्थ हो गया, ये मैंने एस लिख लिया, और ये हो गया ईस्ट, इधर से सन। आपकी इमेज में जो बना है वो बना लीजिए, आप अपने जहाँ हो उसको देख लीजिए। और ये हो गया वेस्ट, ओके। अब नीला कलर ले रहा हूँ। राम ट्रैवल 5 किलोमीटर, यहाँ पर राम मैंने बना लिया कि ये राम जी हैं, है ना। ट्रैवल 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ एंड टेक्स राइट अगेन। पहले इतना ही करूँगा, तोड़ के, इसको चंकिंग कहते, किसी चीज़ को तोड़, यूनिट कर लो। राम ट्रैवल 5 किलोमीटर इन नॉर्थ, ये मैं एक लेंथ बनाई, लाइन बनाई, मैंने लाइन की लेंथ को इतना बनाया कि इसको मैं 5 इतना समझ रहा हूँ, ठीक। इसके रिलेटिवली बाकी सब यूज़ करूँगा। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं लिख भी सकता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ 5 लिख लिया, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, ओके। एंड टेक्स राइट एंड अगेन ट्रैवल 3 किलोमीटर, राइट डायरेक्शन ये हो गई, और फिर इधर ये 5 था, इतना होगा 3 किलोमीटर, यहाँ मैंने जल्दी में लिख लिया 3, है ना। फिर हो गया फ्रॉम द डेट पॉइंट ही मूव्स टुवर्ड्स साउथ। अब क्या है, इसने किधर मुड़ना है, मैंने इतने में लिख लिया कि इसने साउथ की तरफ मुड़ना है। अब ये इधर को आएगा, ये रहा साउथ। एंड ट्रैवल फॉर 10 किलोमीटर्स, ये 5 थी, इससे मैंने दुगना कर दिया ये, और ये यहाँ पर आ गया। और इसके बाद एंड टेक्स राइट टर्न एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर, फिर राइट इनका किधर हो गया, इधर, इतना ही मुझे पता चल गया। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये काटा गया, और ये 10 है, है ना। तो अब क्या पूछा गया है, हाउ फॉर इज राम फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ क्लियर हो गई साफ, ये डायरेक्शन है साउथ नंबर 1, और कितने किलोमीटर है, 5 इधर था, 10 वापस आया, 10 में से 5 निकाल दिए, यहाँ ये बचा 5, इट मीन्स साउथ और 5 किलोमीटर साउथ की तरफ है किलोमीटर। ऐसा कोई रिस्पांस है तो उसको क्लिक कर दीजिए, साउथ साउथ 5 किलोमीटर, ये रहा साउथ 5 किलोमीटर, ये ऐसे। तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन टाइम लेते हैं, दैट इज़ वाई इसको टुकड़ों में बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर निकालता हूँ, पंजाबी वालों के लिए अलग से बनाता हूँ। थैंक यू, डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।